वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों IBPS PO का प्रीलिम्स एग्ज़ाम आजकल चल रहा है और इसमें सेलोगिज्म के क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं। तो उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक क्वेश्चन आपका कैन नेवर बी टाइम का पूछा गया, कैन नेवर बी वाला। एक क्वेश्चन आपका जो आता है आइदर और कंडीशन वाला, उस पर बना था। तो ऐसे करके मैं कुछ चार पांच क्वेश्चन आप तक लेकर आना चाहता हूँ और वो मेमोरी बेस्ड हैं, लोगों ने हमें क्वेश्चंस भेजे हैं, जिस वजह से मैं ये वीडियोस आप तक लेकर आ रहा हूँ। अब यहाँ पर पांच ऑप्शंस होते हैं जिसमें आपका या तो पहला कंक्लूजन जो दिया होगा वो फॉलो करेगा, या तो आपका सेकेंड कंक्लूजन फॉलो करेगा, या जब दोनों फॉलो नहीं करेंगे तब आपकी कंडीशन बनेगी आइदर और, चेक करनी पड़ेगी। और आइदर और के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि कौन कौन सी कंडीशन में आपका आइदर और बनेगा। ओके, अगर दोनों कंक्लूजन फॉलो नहीं करेंगे, आइदर और भी नहीं बन रहा होगा, तब क्या बनेगा? नाइदर नॉर वाला। और अगर दोनों आपके फॉलो कर जाएंगे तो फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज। आ जाते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पर इन सारे क्वेश्चन को मैं वेन डायग्राम से ही सॉल्व करके आपको बताऊंगा। ओके, सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें स्टेटमेंट दिया है, इसमें लिखा है ऑल रिमार्क आर फीडबैक। तो ये आपने रिमार्क वाला सर्कल बनाया और सारे के सारे रिमार्क वो क्या हैं, वो हैं फीडबैक। ओके, ये चीज़। इसके बाद में कहा गया सम फीडबैक आर वर्ड्स, तो फीडबैक का कुछ पार्ट मैंने यहाँ पर वर्ड में बना दिया। फिर तीसरा कंक्लूजन, तीसरा स्टेटमेंट कहता है नो वर्ड इज अ डिजिट, कि ये वर्ड है बर्ड का डिजिट के साथ में कोई रिलेशन नहीं है, डिजिट आपका यहाँ पर है। ओके, अब पहला कंक्लूजन आप चेक कर लो, इसमें कहा गया है कि सम फीडबैक आर डेफिनेटली नॉट डिजिट्स। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखो कि सबसे पहले कुछ फीडबैक जो है, ये वाला फीडबैक वाला पोर्शन है, सम फीडबैक आर डेफिनेटली नॉट डिजिट। अब देखो फीडबैक का ये वाला पोर्शन है, ठीक है, जो फीडबैक के अंदर आ रहा है, और ये पूरा का पूरा क्या है, बर्ड भी है। ठीक है, अब सारे के सारे वर्ड जो है वो डिजिट नहीं है, तो बर्ड के अंदर ये फीडबैक का ये वाला पोर्शन भी आ रहा है, तो ये वाला भी आपका डिजिट नहीं होगा। यही बात यहाँ पर कही गई है कि सम फीडबैक आर डेफिनेटली नॉट डिजिट, बिल्कुल सही बात कही गई है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कंक्लूजन फॉलो कर जाएगा। सेकेंड वाला कहता है ऑल डिजिट बींग फीडबैक इज अ पॉसिबिलिटी, कि सारी की सारी डिजिट को फीडबैक के अंदर आप लाकर रख दो तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? अगर मैं करूं कि इस डिजिट को यहां पर रख दूं, इस डिजिट को मैंने यहां पर रख दिया। ओके, अब देखो ये वर्ड है, ये डिजिट है, ये वर्ड है, ये डिजिट है, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, और सारी की सारी डिजिट क्या है, आपकी फीडबैक भी बन जाएंगी, तो ये पॉसिबल है, तो ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। तो यही चीज आपको दोस्तों यहां पर ट्राई करनी होगी। ओके, तो यहां पर हमारा रिजल्ट क्या आएगा, बोथ फॉलोस, बोथ वाला। सेकेंड वाला कंक्लूजन एक बार देख लो, इसमें दिया है सम फाइल आर बॉक्स, तो मैं क्या करूँगा कि कुछ फाइल जो है इनको मैं क्या बना दूंगा, यहाँ पर बॉक्स बना दूंगा। फिर कहा गया है कि ऑल बॉक्सेस आर कार्टून, सारे के सारे बॉक्सेस क्या हैं, कार्टून है। फिर लिखा है नो कार्टून इज अ प्लास्टिक, कि कोई भी कार्टून जो है वो क्या है, प्लास्टिक के साथ में कोई रिलेशन नहीं बनाता है, तो इनको मैंने अलग रख दिया है। ओके, पहला कंक्लूजन कहता है नो फाइल इज अ प्लास्टिक, फाइल ये है, प्लास्टिक ये है, तो इन दोनों की जो डाउटफुल रिलेशन है, हमें नहीं पता है कि क्या रिलेशन है क्या नहीं है, तो जब डाउटफुल बनेगा, क्योंकि फाइल आपकी यहाँ पर है, प्लास्टिक यहाँ पर है, तो नो फाइल इज अ प्लास्टिक, ये डाउटफुल है, तो आप इसको कैंसिल कर दो। दूसरी बात यहाँ पर कहा जाता है कि कुछ जो फाइल्स हैं वो प्लास्टिक हैं। अब देखो फाइल्स और प्लास्टिक में कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है, हो सकता है हो सकता है ना भी हो, तो ये भी आपका डाउटफुल हो गया, तो ये दोनों आपके फॉलो नहीं कर रहा है। अभी ये देख लो कि इसमें फाइल आ रहा है, इसमें भी फाइल आ रहा है, इसमें प्लास्टिक, इसमें प्लास्टिक, सम प्लस नो, इसका मतलब सम प्लस नो के साथ में कंडीशन जो है वो आपकी आइदर और बनती थी, तो आपका रिजल्ट यहाँ पर क्या बनेगा, आइदर और वाला। ओके, थर्ड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार यहाँ पर, इसमें लिखा हुआ है सम डेस्क आर चेयर्स, ये आपका डेस्क है, कुछ डेस्क जो हैं वो क्या हैं, चेयर हैं। फिर लिखा है सम चेयर आर सीट्स, चेयर का कुछ पार्ट क्या है, सीट्स हैं। फिर लिखा है नो सीट इज़ अ टेबल, ये सीट है और इसके और टेबल के बीच में कोई रिलेशन जो है वो नहीं है, तो सीट और टेबल के बीच में कोई रिलेशन यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर पहला पॉइंट कहता है कंक्लूजन ऑल डेस्क कैन नेवर बी टेबल, ये आपकी डेस्क है और ये आपकी टेबल है। क्वेश्चन कह रहा है कि सारी की सारी डेस्क जो है वो आपकी टेबल नहीं हो सकती। अब देखो इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखें तो यहां पर जो है ये डेफिनेटली पूछ रहा है, ठीक है, इसका मतलब है कि डेस्क आर डेफिनेटली फॉल्स, ठीक है, तो मतलब जब कैन नेवर भी, इसका मतलब होता है डेफिनेटली फॉल्स, तो सारी की सारी डेस्क जो है वो टेबल नहीं है, तो ये डेस्क है ये टेबल है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फॉल्स यहां पर हो जाएगा। ओके, सेकेंड वाला एक बार अगर आप चेक करोगे, इसमें लिखा है सम चेयर्स आर डेफिनेटली नॉट टेबल्स, अब यहां पर कह रहा है सम चेयर्स, चेयर का कुछ पार्ट, देखो चेयर का ये वाला पार्ट जो है, अब ये पूरा किस में आ रहा है,
सीट में आ रहा है, सारी की सारी सीट टेबल के साथ नहीं आएंगी और सीट के अंदर थोड़ा सा चेयर का पार्ट आ रहा है, तो ये वाला पार्ट भी इसके साथ में लिंक करेगा, ये वाला पार्ट भी इसके साथ लिंक नहीं करेगा। तो इसका मतलब सम चेयर्स आर डेफिनेटली नॉट टेबल्स, ये जो बात लिखी है बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब यहाँ पर ओनली सेकेंड वाला जो है ये आपका दोस्तों ट्रू यहाँ पर हो जाएगा। ओके, तो इस फॉर्मेट में हम क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। फोर्थ वाला है, एक चीज मैं आपको बता दूं, कैन नेवर बी के जितने भी क्वेश्चंस हैं, अगर आपको डाउट हो रहा है तो मैं उसके ऊपर एक सेपरेट सेशन दे दूंगा, मुझे पता है कि वो डाउटफुल हो सकता है। तो अगली वीडियो में मैं अपकमिंग डेज में सारे के सारे कैन नेवर बी वाले सारे क्वेश्चंस यहां पर मैं शामिल करूंगा और उसको आप तक सॉल्व करके दिखाऊंगा। फोर्थ वाले में स्टेटमेंट दिया है ऑल रूट आर बेस, ये है आपका रूट और सारे के सारे रूट जो है वो क्या है, बेस है। फिर कहा गया ऑल बेस आर पाथ, इसको पाथ में कन्वर्ट कर दो। फिर कहा जाता है सम बेस आर ब्रिज, अब ये बेस है इसको ब्रिज में मिला दो। यहां पर पहला कंक्लूजन कहता है एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब होता है सम, ठीक है। अब यहां पर लिखा भी है सम, तो सम ब्रिजेज आर रूट्स, यही आपको चेक करना है। ये आपका ब्रिज है, ये आपका रूट, देखो रूट से पहले ही ये लाइन है क्योंकि हमने केवल बेस को कवर किया हुआ है, ठीक है। तो सम रूट्स आर ब्रिज, ये हमारा जो है डाउटफुल है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो इस वजह से आपका गलत हो गया। दूसरा चेक करो ऑल रूट बीइंग ब्रिज इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे के सारे रूट जो हैं वो आपके ब्रिज बन जाएं, तो इस चीज की संभावना हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ओके, क्योंकि हम इस रूट को कवर कर देंगे और ब्रिज वाले सर्कल को इतना बड़ा बना देंगे, तो जहां पर दोस्तों ऑल की रिलेशन होती है वहां पर सम तो आपका आता ही आता है। तो यहां पर ऑल रूट बीइंग ब्रिज पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो ये आपका फॉलो कर जाएगा। तो यहां पर रिजल्ट क्या आएगा, ओनली सेकेंड। ओके, तो इस फॉर्मेट में हम इन क्वेश्चन को सॉल्व यहां पर कर सकते हैं। अपकमिंग कुछ और भी क्वेश्चन हैं पजल के जो मैं आप तक लेकर आ रहा हूं, उन पजल्स को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और जैसे जैसे क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों मेल के द्वारा लोगों तक लोग पहुंचा रहे हैं तो वैसे क्वेश्चंस हम लेकर आएंगे। अभी अरिथमेटिक की प्रॉब्लम्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, वीडियो को लाइक करके अपना सहयोग जरूर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।